as we've seen the campaign. It's more about the arithmetic, and when it comes to arithmetic, it will be the secular communal divide which will decide who's going to form the government at the center. What's your view? पहली बात ये है कि राजनीति arithmetic पर ही होती है. देश की जनता अगर इश्यू न होता तो 60% पोलिंग नहीं करती इतनी गर्मी में, और फर्स्ट टू राउंड के वोटिंग पैटर्न से आई कैन कम टू द कंक्लूजन देयर इज अ इश्यू. लोगों के दिमाग में तीन चीजें साफ हैं, विकास चाहिए, विश्वास चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और तीनों के तराजू पर यूपीए सरकार से लोग निराश हैं. ये अंडर करंट ही इस चुनाव का नतीजा बनेगा. पर चुनाव में अलाइज इम्पोर्टेंट होते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट्स का जमाना है, और जब एलाइज ढूंढने का टाइम आएगा तो बीजेपी का हार्डलाइन इमेज जो है, जिसे कम्युनल इमेज कहा जाता है और जिसके लिए आपको भी कई बार दोषी ठहराया गया है, ये बाधा नहीं पड़ेगा? पहली बात यह है कि जो इतना बड़ा सेक्युलरिज्म का ढोल पीटते थे, जो लोग 5 साल साथ में रह करके मिल बांट खाते रहे हैं, वे लोग अगर सिद्धांतों के आधार पर, और भिन्न सांप्रदायिक का यही मुद्दा था, बिखर क्यों गए? एज फार एज द बीजेपी इज कंसर्न, एवरी टाइम यू टॉक ऑफ सिख रायत, दे टॉक अबाउट गुजरात. इन दैट कंपैरिजन, डू यू थिंक योर कॉन्शियंस इज क्लियर? मैं पहले दिन से कहा है, मैं कोई माफी मांगे और छोड़ देना इसके पक्ष का हो ही नहीं. मैं तो मानता हूं कहीं पर भी, यानी 0.00001% भी मोदी अगर कल्प्रिट है तो इस देश में सबक सीखे लोग, ऐसी सजा मोदी को होनी चाहिए. उसको पब्लिक में फांसी पे लटकाना चाहिए, और देश में ऐसा कभी न हो, ये गारंटी करनी, ये मैं कह रहा हूं. प्रधानमंत्री ने एक रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सेड दैट देयर आर रिकॉर्ड्स विच शो योर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट. व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? इसका मतलब कि प्रधानमंत्री भी क्या वो तय हो गया. अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं तो यूपीए गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर वीक है, ये हो गया, पक्का हो गया. अगर प्रधानमंत्री और सेक्युलरिज्म के नाम पे चुनाव जीतते हैं, अगर उनके पास लालू जी जोड़े जैसे लोग बैठे हैं जो एक फर्जी बैनर्जी कमेटी भी बना सकते हैं, प्रधानमंत्री के पास एविडेंस होते, मैं नहीं मानता हूं कि मोदी जैसे व्यक्ति पर हमला करने के लिए वो एक सेकंड भी गंवाते हैं.